इंटर्न जो कि नाइट ड्यूटी पे थी यहाँ पे, जिनकी वो जिन पेशेंट को ट्रीट कर रही थी उनके ही बेटे ने उस इंटर्न डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनात इंटर्नशिप महिला चिकित्सक के साथ एक तीमारदार युवक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस मामले में प्रशिक्षु चिकित्सकों ने कॉलेज गेट के बाहर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जमकर प्रदर्शन किया। इंटर्नशिप कर रहे चिकित्सकों की एक ही मांग है कि महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ करने वाले तीमारदार युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अन्य लोगों को भी इससे सीख मिल सके। मेरा नाम अनन्या है, मैं पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे हम सब एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि लंच टाइम में हो रही है, जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा। एक दुखद घटना हुई है वेडनेसडे की रात को, हमारी को इंटर्न जो कि नाइट ड्यूटी पे थी यहाँ पे, जिनकी वो जिन पेशेंट को ट्रीट कर रही थी उनके ही बेटे ने उस इंटर्न डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत तरह से उसको टच किया गया है। तो हमारी यहाँ पे यही, हम सब इसीलिए यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं ताकि हम चंबा की जनता को ये मैसेज दे सकें कि हम यहाँ पे 36-36 घंटे की ड्यूटीज कर रहे हैं सिर्फ आप ही को देखने के लिए, आप ही का सही ख्याल रखने के लिए ताकि आप ठीक हो। और बदले में अगर आप हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे, जिस लड़की के साथ ये हुआ वो एक लड़की होने के साथ साथ डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, किसी की बेटी है वो, किसी की बहन वो भी है, तो अगर आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम आपके साथ कैसे अच्छा ट्रीटमेंट आपको दे पाएंगे। तो क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पुलिस स्टेशन में? सर अभी पुलिस स्टेशन में यहाँ पे सदर जो पुलिस थाना है वहाँ पे केस दर्ज किया गया है अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंडर, और मंडे को हियरिंग के लिए बोला है। तो सर यहाँ पे हम इसीलिए इकट्ठे हों ताकि हम चंबा के लोगों को बता भी सकें ये चीज़ की हम डॉक्टर्स आप ही की सेवा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे आप ही की सेवा के लिए हम लोग इतने टाइम तक नौकरी करते हैं, इतने टाइम तक ड्यूटीज देते हैं, रात रात पर जागते हैं, पेशेंट्स को चेक करते हैं, किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो हम अपने आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके हर चीज़ को फिर वहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सिक्योरिटी को और अपनी इज्जत को भी सेक्रीफाइस करेंगे। सबसे बड़ी बात जो जिसके साथ ये घटना हुई है, आप उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, उसकी मानसिक स्थिति की इस समय की वो किस स्थिति से गुजर रही है ये हम आपको बता भी नहीं सकते, वो हमारे साथ अभी मौजूद भी नहीं है। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशानी में है और इस वजह से हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर्स की हम सभी की यही आप लोगों से गुजारिश है, चंबा के लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे लोग बहुत बहुत दूर दूर से आए हैं, आउट ऑफ द स्टेट भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और 4.5 साल से हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप लोगों को एक फैमिली की तरह मानते हैं। अगर अपने ही परिवार के लोग आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने लग जाएं तो फिर क्या स्थिति बनेगी, क्या रह जाएगा? सबसे बड़ी बात यही है, हम सभी से यही गुजारिश करते हैं कि अपने जो आपके डॉक्टर्स हैं हमें अपने लोगों की तरह समझें, बाहर के लोगों की तरह ना समझें और ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। जिस इंसान ने दुर्व्यवहार किया उस इंसान को कोई शिकन नहीं थी, उस इंसान को कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड उसको कोई भी बुरा नहीं लगा था, वो इंसान ने वैसे ही ट्रीट किया कि क्या हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अथॉरिटी से भी डिमांड है, हमारी अथॉरिटी से भी हमारे अनुरोध रहेगा कि आप अथॉरिटीज़ भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि डॉक्टर को दोबारा डॉक्टर्स को इस तरीके से कोई भी परेशानी ना हो।